हेलो फ्रेंड्स, आज का आपका इंटीग्रेशन का जो है सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उसमें हम आपको इंटीग्रेशन का जितना बेसिक होता है, उस इंटीग्रेशन का जो परिभाषा होता है, जो टाइप होता है, वह सारा का सारा आपको हम बता दिए हैं। और उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वह आपको फॉर्मूला के साथ, उस फॉर्मूला के बेसिस पर जितना क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का आज हमारा पार्ट टू है। तो आप लोग बढ़िया से, जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेशन मान लीजिए कहीं पढ़े होंगे, आप नहीं सीखे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आराम से पेशेंस से कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जितना हम कराते जाएंगे आप उतना करते जाइएगा, ठीक है ना, आपके माइंड पूरा सेट हो जाएगा। जो आप लोग सोच रहे हैं लाइव क्लास पढ़ाने के लिए, तो लाइव क्लास अभी बाबू नहीं आएगा, उसका हम कोशिश कर रहे हैं लाइव कैसे भी किया जाए, जैसे होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को अभी फिलहाल वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आज हमारा देखिए पार्ट टू में हम क्या करेंगे, सबसे पहला इंटीग्रेशन का देखिए हम इस साइड आधा में क्या करेंगे ना कि फॉर्मूला लिखेंगे, और इस आधा पार्ट में उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम क्वेश्चन समझेंगे। देखिए बाबू, पहला फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना, नहीं मालूम है तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन आर डी एक्स, ठीक है, x के पावर n dx। देखिए पूरा चैप्टर में, पूरा स्टार्टिंग में जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला मतलब इसका इतना यूज है कि आपके एग्जाम में एक नंबर या इससे फिक्स रहता है। भले दूसरा फॉर्मूला का यूज करे चाहे ना करे वो अलग बात है, लेकिन इसका यूज 100% होगा और क्वेश्चन में भी होगा, ठीक है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें भी इसका यूज होगा। इसका देखिए समझने का क्या तरीका है ना, जो x के पावर n है, जो यहाँ पे आपका x देख रहे हैं, वही x आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा कि जो आपका बाबू x के पावर n है, ठीक है ना, x के पावर n, तो कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ पे n है इसी में आपको एक जोड़ देना है, ठीक है ना। जितना n रहेगा, n कहने का मतलब जितना आपका पावर रहेगा उसी पावर में एक आप लोगों को ऐड करना है, और जो ऊपर वाला रहेगा, ठीक है ना, जो ऊपर वाला उसी को आपको कहाँ लिखना है, नीचे, बाकी प्लस में आप लोग k लिख सकते हैं, आप लोग प्लस में सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप प्लस सी या प्लस के दोनों में से कोई और ऐड कर सकते हैं। आज यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, आपका इंटीग्रेशन बराबर देखिए यहाँ एक्स के पावर मान लीजिए कि हम -5 और यहाँ डी एक्स कर देते हैं, तो इसका आप लोग कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ x का पावर -5 है, -5 लिखना है, इसी में आपको +1 जोड़ना है, जितना पावर रहेगा उसी में आपको +1 जोड़ना है। और देखिए जो यह ऊपर वाला जितना पार्ट है, ठीक है ना, जितना यह ऊपर वाला पार्ट है इसी पूरा पार्ट को नीचे लिखना है, क्लियर, बताइएगा समझ में आया कि नहीं। बच्चा बच्चा सीखेगा कि हाँ इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन का डर खत्म, खत्म ना, बताइएगा। देखिए x के पावर क्या है, -5 + 1, इसी को पूरा नीचे लिखना है, -5 + 1। बहुत सारा स्टूडेंट को इतना प्रॉब्लम होता है ना -5 + 1 में, ये कोनो से पूछेंगे तो कोनो कहेगा कि -6 होता है, कोनो कहेगा 4 होता है, कोनो कहेगा -4 होता है। तो आप लोग सीख जाइएगा, भगवान से दुआ कीजिएगा ना कि मेरे से मुलाकात ना हो, तो आप लोग का समझिए गोड़ हाथ तो तुरबे करेंगे, ठीक है ना, और ऊपर से घर हूँ बोलेंगे कि जोड़ घटाओ नहीं आता है, तो समझिए कितना ज़्यादा रिस्की मामला है मेरे से भेंट होने में। -5 + 1 कितना होता है बाबू लोग, -4 होता है, आइए आपका -4 और प्लस का के, आप लोगों की सुविधा के लिए हम बता दे रहे हैं कि नीचे माइनस मत लिखिएगा, ठीक है ना, इस माइनस को कहाँ लिखिएगा, ऊपर, नीचे माइनस बाबू नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, नीचे माइनस नहीं दिया जाता है। पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा आप भी चेक कर लीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हार्ड कहने का मतलब है बाबू लोग ना कि हम यहाँ लिखेंगे x / √x और dx,
हार्ड नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम हार्ड बोल देते हैं कि आपका प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन क्वेश्चन जानते हैं क्या है, मसल दीजिएगा। देखिए कैसे होगा, जहाँ भी अंडर रूट रहता है, ध्यान से, जहाँ भी वही अंडर रूट रहता है यहाँ कुछ वो नहीं रहता है, तो समझिएगा कि x का पावर कितना है, 1/2। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो समझिएगा 2 है, यदि कुछ अदर होगा तो वह यहाँ क्या करेगा, लिखेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे बाबू वालों, यहाँ x का पावर 1 कर देते हैं आ इसका पावर 1/2 है, तो भागा में है तो घटेगा 1/2 और डी एक्स होगा। तो आपका i बराबर क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 और डी एक्स होगा ना। तो अब कहिएगा सर यहाँ तो मतलब -5 था, अब 1/2 आ गया, अब क्या करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 आ जाए चाहे 4/3 आ जाए, पावर पावर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पावर पावर होता है, यदि पावर के फॉर्मेट में आता है तो पावर में 1 ऐड करना ही है, करना ही है, करना ही है। पावर में क्या करिएगा, 1 ऐड कीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स के पावर 1/2 + 1 और नीचे क्या होगा, 1/2 + 1। अब बबुआ लोग आप लोगों को जोड़ घटाव आना चाहिए, ठीक है ना, कि 1/2 + 1 कितना होता है, ठीक है। तो 1/2 + 1 कितना होता है जी, 3/2 होता है। तो i बराबर x का पावर 3/2, लाइन कट गया, आप लोग देख रहे हैं ना। आप लोग नहीं जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितना दिक्कत होता है, आप लोग खुद देख लीजिए प्रूफ कि अभी पढ़ा रहे हैं लाइन कट गया है, ठीक है ना। अब लाइन इधर उधर तार चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इधर उधर तार चेंज हो रहा है। अब लाइन अब इन्वर्टर पे चलेगा, अब देख रहे हैं कि इन्वर्टर पे लाइन दिया चुका है, अब लाइन आ गया है, जरा चेक कर लीजिए जी, सब कुछ सही है ना। एक्स का पावर कितना है बाबू, 3/2, और नीचे वाले को भी जोड़ेंगे, सही है ना सब। चलिए तो ये कितना होगा, 3/2 और प्लस का के, हम कई बार बोलते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते हैं कि हाँ कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, आप हमारा टेंशन मत लीजिए। आज आप लोग देख लिए ना लाइन कट गया, तो इसी तरह सोचिए कि जब इन्वर्टर नहीं रहता होगा तो किस तरह हम वीडियो बनाते थे, लाइन पर भरोसा करते हैं। मान लीजिए कोई पढ़ा रहे हैं कट जाता है तो फिर क्या करते हैं, वीडियो वहाँ से काटना पड़ता है, फिर लाइन का इंतजार करते हैं, आता है तो फिर बनाते हैं, तो ये सब होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि आपको कैमरा के पीछे का सीन नहीं दिखाते हैं, ओनली आगे का सीन दिखाते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो आप लोग पढ़िए, देखिए 3/2 है, इसको पलट देंगे, ठीक है ना। तो 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 प्लस के। बस आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है ना, मेहनत कीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए हम हैं, ठीक है ना। जब तक हम जिंदा हैं समझिएगा कि मैथ और फिजिक्स बराबर क्या होगा, हलुआ। मैथ फिजिक्स बराबर क्या होगा, हलुआ। हलुआ तो आप लोग खूब खाए होंगे। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नहीं फार्मूला, यह तो फार्मूला क्लियर हो गया ना, बाकी आप लोगों को और सारा क्वेश्चन मिलेगा इस पर, ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा, इस पर और सारा मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा सा और टाइप भी देखना पड़ेगा ना। मान लीजिए एक एक क्वेश्चन से थोड़े काम चलेगा। देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स आ डी एक्स, आप लोगों से कोई पूछता है ना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का होता है ना कि कन्फ्यूज रहते हैं, कोनो पूछेगा साइन का डीसी क्या होगा तो कॉस, कोनो पूछेगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी में जो हुआ जाता है कि डीसी वाला कभी आंसर बता देता है, कभी का वाला बताता है, हमको भी नहीं पता है, पता नहीं क्या क्या बता देता है। अब बताना देखिए वह आपके, आप सोचते हैं सही बताने के लिए, लेकिन आप लोग गलती बताते हैं। क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले तो नया नया भेंट हुआ है इंटीग्रेशन से, इससे पहले कि आप लोग कभी इसका नाम नहीं जानते थे कि हाँ इंटीग्रेशन होता है, अचानक मिला है। तो अचानक मिलता है ना, तो आप लोग बढ़िया से धीरे धीरे उसको लर्न कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट में जल्दी होता है फास्ट कराइए, फास्ट कराइए, हम जानते हैं कि फास्ट कराएंगे, ठीक है ना, हम इतना भी जानते हैं, हम इतना फास्ट करा देंगे कि आपसे नोट नहीं होगा, हम ही जानते हैं, हम पूरा पढ़ाने लगेंगे स्पीड में ना, तो आप समझने का छोड़िए, आप लोगों को पूरा उतारने का दे देंगे ना, तो आप लोग
मेरे से टक्कर नहीं ले पाइएगा, आप लोग से छूट ही जाएगा। तो देखिए क्या है, जब भी इंटीग्रेशन पता करना होगा साइन कॉस ये सब का, तो आप लोग याद पारिएगा वो वाला दिन जब लाइव पढ़ा रहे थे, आप वो वाला दिन याद पारिएगा जब हम लाइव पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को डीसी पढ़ा रहे थे। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं ना कि आपको डीसी सोचना है कि गुरुजी किसका बताए थे साइन एक्स डीसी, साइन किसका आता है करने पर, साइन किसका डीसी करने पर आता है। तो कहिएगा सर कॉस का डीसी आता है माइनस में आता है, लेकिन कॉस का डीसी क्या आता है माइनस में साइन, लेकिन माइनस में नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है, माइनस अपने ओर लगा देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे माइनस अपने ओर लगा देंगे। लेकिन हमको मालूम है कि कॉस का डीसी साइन होता है, लेकिन माइनस में होता है, माइनस ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि कॉस का डीसी ही साइन आता है, कॉस का डीसी क्या आता है साइन आता है। तो हम यहाँ बबुआ लोग कॉस लिखेंगे एक्स और प्लस का के देंगे। अब ध्यान दीजिए कि मानवा जो आप डीसी करते हैं प्लस में आता है कि माइनस में आता है, तो कॉस का डीसी पूछेंगे तो क्या कहिएगा माइनस साइन, तो इधर माइनस है नहीं है तो माइनस इधर लगा दीजिए, क्लियर। अब नहीं ना परेशानी होगा, याद पारिएगा डीसी कि किसका डीसी ई होता है ससुरा, ये किसका डीसी होता है याद पारिएगा, क्योंकि डीसी आप लोगों को बढ़िया पढ़ाते हैं। तो किसका डीसी होता है कॉस का, लेकिन माइनस में आता है, लेकिन माइनस नहीं दिया है, माइनस इधर लगाएंगे, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल हम इधर समझेंगे, कल एक कपड़ा बना दीजिएगा जी मिटकाने वाला, चलिए हो गया। अब देखिए हम यहां से बहु क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं बबुआ लोग क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखो ना अभी क्या क्या होता है। यहां मान लीजिए बाबू लोग हम लिखते हैं साइन थ्री एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, साइन थ्री एक्स और डी एक्स, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, साइन एक्स है कॉस एक्स है ना, साइन एक्स है कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स है हम यहाँ कॉस लिखेंगे, और जो एंगल है बबुआ लोग हम यहाँ एंगल लिखेंगे, एंगल में कोनो चेंजिंग नहीं, बाहरी माइनस है यहाँ भी हम माइनस देंगे। और सुनिए मेरी बातों को, मेरी बातों को आप लोग को हम दिल में उतारेंगे, कहाँ उतारेंगे दिल में, और दिल में उतारने के बाद धीरे धीरे आपको नसों में हम समा देंगे। एक्स का गुणांक कितना है बबुआ लोग, एक्स का गुणांक कहिएगा सर तीन है, बोलिए एक्स का गुणांक कितना है तीन है, तीन कहाँ लिखना है बाबू लोग बाटा में, फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि एक्स का गुणांक बाटा में लिखा जाता है, और डीसी में कहाँ लिखा जाता है गुना में, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, न तो हम यहाँ नोट तो करवाइए करेंगे, यहाँ नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा, लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन में, तो जो स्टूडेंट तेज होंगे ना वो लिख लिए होंगे, इंटीग्रेशन में एक्स के गुणांक को भागा में लिखा जाता है, मतलब ऐसा लिखिएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, लिखा जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या है, जो एक्स का गुणांक होता है वो कहाँ लिखा जाता है भागा में, भागा मतलब कहाँ बाटा में लिखा जाता है, यही जो डीसी होता है ना तो कहाँ लिखाएगा गुना में। अब देखिए एगो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन, मान लीजिए कि हम यहाँ देते हैं आप लोगों को टू आसाने देते हैं साइन पाँच एक्स इंटू कॉस पाँच एक्स और डी एक्स, कहिएगा सर आप तो साइन एक्स का बताए हैं, इसमें तो साइन और कॉस दोनों आ गया, तो आप लोगों को साइन टू ए का फार्मूला बताए थे का याद है कि सब कुछ चबा के बैठ गए फार्मूला, आप लोगों को हम साइन टू ए का फार्मूला बताए थे, क्या होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो ध्यान से देखिएगा कि जो साइन टू ए का फार्मूला होता है
टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो ध्यान दीजिए कि हमारा ए का काम कितना कर रहा है, पाँच एक्स, ठीक है ना, कर रहा है ना। बाकी हमारा देखिए सारा का सारा फॉर्मेट पे है साइन टू ए का। तो हम यहाँ बबुआ लोग का लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन, हम जानते हैं कि साइन टू ए का फॉर्मूला है ना, कितना का है, टू ए का, लेकिन ए का काम कितना कर रहा है, पाँच एक्स। तो हम गुना में क्या लिखेंगे, पाँच एक्स और डी एक्स। आप लोगों को थोड़ा बेसिक सम सिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी नया नया मिला है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सर भी आ रहे हैं तो पूरा पढ़ा रहे हैं, ऊपर ही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम ऐसा पढ़ाते हैं कि जो नहीं जानता है नामो इसका पहला बार सुन रहा है, मेरे क्लास में आया है तो वो सीख जाएगा। देखिए साइन दस एक्स डी एक्स है, अब इसके फॉर्मेट पे आ गया ना, बोलिए साइन दस एक्स डी एक्स है, यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, तो क्या दिक्कत है, एक्स का गुणांक ना आया है तो उसको हम बाटा उटा में लिखेंगे कहीं। अब देखिए साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, आप लोग सामने फॉर्मूला है, यहाँ लिखते हैं माइनस का कॉस, जो एंगल है लिख देते हैं दस एक्स, ठीक है। अब लेकिन हम आप लोगों को ई वाला का लिखाए हैं, ये आपको आचार नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। अब देखिए एक्स का गुणांक कितना है, 10, तो आपको कहाँ लिखना है, 10 बाटा में, और प्लस का के, देखिए इतना करने आ गया ना, इस बेसिस पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है एक नंबरिया में। यदि आप लोग ई वाला फॉर्मेट सीख गए तो आपका एक नंबर पक्का है एक नंबरिया में, ई वाला टाइप से भी आपका एक नंबर, ई वाला टाइप से भी आपका एक नंबर, मतलब इसी टाइप का एक नंबर या आपका पूछा जाता है। बहुत सारे क्या करते हैं कि इसमें गलती कर देते हैं, पता नहीं क्या, मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन है क्या है, वो लोग गलती कर देता है। ये समझ गए आपका, देखिए साइन का हो गया, तीसरा का देख लीजिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स आर डी एक्स, ठीक है। अब कहिएगा सर इसी में तो कन्फ्यूजन है कि साइन का डीसी कभी कॉस होता है और कभी इंटीग्रेशन होता है, इसी में आंसर बोलने में हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं क्या होगा, इसका तो कहानी खत्म है, बता दिए हैं। अब इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो आप लोग याद पढ़िए कि कॉस एक्स किसका डीसी होता है, ठीक है ना। यदि आप लोग आंसर बोलने में इसका कन्फ्यूजन होता है तो समझिए मत कि हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद किए हैं। आप लोग याद पारिएगा कि कॉस एक्स किसका होता है, तो कहिएगा कि साइन एक्स का डीसी कॉस होता है, हमको याद है साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना, यानी साइन का डीसी कॉस होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। बस डीसी वाला थोड़ा सा फोकस कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ कॉस है तो कॉस किसका होता है, साइन का होता है, तो हम यहाँ साइन दे देंगे। समझिए कि सब एक के मतलब घर का सदस्य है, ठीक है ना, बस कोनो सीधा काम करता है कोनो उल्टा काम करता है, ऐसा भी घर में सदस्य होता है ना, कोनो सीधा बोलिएगा कोनो तो आपकी बात को समझता है और कोनो टेढ़ होता है, कहिएगा जाने के इधर जाएगा उधर, वो अपने मन से काम करता है, तो ऐसा ही इसमें होता है। देखिए कॉस है तो कॉस किसका होता है, साइन का, तो यहाँ हम साइन लिख दिए हैं, प्लस का के, आपको सी लिखना होगा सी लिख दीजिएगा। अब इस पे भी एक दो को देख लेते हैं, देखिए यहाँ समझेंगे कॉस वाला है ना। अब देखिए हम यहाँ लिख देते हैं बाबू कॉस 2x और dx, आसानी लिखते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे। अब देखिए ये हो गया, तो अब देखिए कॉस 2x हो तो यहाँ देखिए x की जगह पे 2x दे दे, 3x दे दे, x बटा 3 दे दे, x बटा 5 दे देवे, चाहे 10x बटा में 3, कुछ हो आपको एंगल दे सकता है, तो एंगल से घबराना तनिको नहीं है। कैसे, कॉस, कॉस का क्या होता है, साइन, समझिएगा ध्यान से, साइन लिखना है, और जो एंगल रहेगा बस आँख मूंद के एंगल यहाँ छाप देना है, ठीक है ना, एंगल में कुछ नहीं, एंगल बस लिख देना है। उसके बाद देखना है कि एक्स के गुणांक में कोई कोनो है कि नहीं, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, होगा तो बाटा में लिखिएगा। तो एक्स का गुणांक कितना है, 2 है, तो बाटा में 2 देना है और प्लस का के। बहुत सारे क्या करते हैं ना कि बस कॉस का जानते हैं साइन एक्स होता है, तो यहाँ 2x नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्स लिख देंगे, बस आई यू ऑप्शन में रहता है। हम कई बार बोले हैं कि एंगल में कुछ वो चेंजिंग नहीं करना है, जैसा एंगल वैसा छाप देना है यहाँ पे,
टू एक्स है तो आपको लिखना है टू एक्स, ठीक है। आप लोग समझ गए कैसे बनाना है। अब देखिए आप लोगों को जो एंगल को लेके थोड़ा सा टेंशन रहता है, मान लीजिए कि एंगल कुछ ऊट पटांग टाइप का देता है, जैसे मान लीजिए कोसे में लेते हैं, कोस मान लीजिए कि जो बोले हैं 10x बटा में 3 बोले हैं ऐसे, और यहाँ dx लगा हुआ है, तो इसी के देख के आपको घबराना नहीं है। कोस कोस का क्या होता है, साइन होता है ना, तो आपको क्या करना है साइन लिखना है, ठीक है। एंगल में जो है सो आपको लिखना है, जितना दिया रहेगा 10x बटा में 3 है तो आपको 3 लिखना है। बाटा देंगे क्या है कि x अकेला नहीं है, x में कौन अचर अभी है, तो x में अचर ढूंढिए, अचर कितना है 10 बटा में 3, तो आपको 10 बटा में 3 यहाँ लिखना है, आप प्लस का k, तो आप इसको ऊपर पलट सकते हैं, तो कितना होगा 3 बटा में 10 साइन 10x बटा में 3 और प्लस का के, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये तो आपका हो गया डायरेक्ट, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट बहुत कम पूछेगा, हो सकता है ये वाला पूछ दे लेकिन ये वाला कभी नहीं पूछेगा। अब देखिए पूछेगा क्या, थोड़ा सा फॉर्मूला का आप लोगों से यूज करवाएगा, जैसे में देखिए यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर 3x माइनस का साइन स्क्वायर 3x, यहाँ ऐसे दे देगा और यहाँ कर देगा dx, बहुत आसान है, ठीक है ना, जाएगा इसी पे, लेकिन अब क्या किया है कि आप लोगों से फॉर्मूला का यूज करवाएगा, ये आएगा एक नंबर ये में 100% ऐसा क्वेश्चन आपको एक नंबर ये में मिलेगा, लेकिन सब फॉर्मूला का यूज करवाएगा, मतलब आप लोगों को एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये वाला आप लोग छाप लीजिएगा। देखिए आप लोगों को कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, कौन को फॉर्मूला होता है चार गो, एगो दो गो नहीं चार गो होता है, चार गो में एगो लिखेंगे जिसका काम है कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में खासियत क्या होता है कि दोनों जगह एक्स सेम होता है, तो इस फॉर्मूला का यूज इस पे होगा, कब होगा जब दोनों का एंगल सेम रहेगा, तो कहिएगा सर एंगल तो सेम है, कहे कि इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है, एंगल में कोनो चेंजिंग नहीं है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देखिए दम उसी पे है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एकदम इसी पर जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन कोस, आ इसका दोगुना है, ध्यान समझिएगा यहाँ x है बबुआ लोग, तो यहाँ क्या है 2x है, यहाँ x है तो यहाँ क्या है 2x है, यहाँ 3x है तो यहाँ क्या होगा 6x, क्योंकि दोगुना लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिएगा बाबू कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आप लोग के नज़र के सामने, तो आप लोगों को यहाँ लिखना है साइन, जो एंगल है उसको छाप देना है, बाटा में x का गुणांक कितना है 6, तो इसको बाटा में लिखना है और प्लस का k आपको देना है, क्लियर। तीन गो फॉर्मूला, तीनों पे कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल दे के हम क्लियर कर दिए हैं, अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, इसका चारों फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना, आप लोग नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आपको एग्जाम में पूछता है 1 - 2 sin² x होता है, 2 cos² x - 1 होता है, एगो 1 - tan² x आ बाटा में 1 + tan² x होता है। कॉस 2x का चार को फॉर्मूला बोल दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आ इसी से सब आता है चारों, ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि चारों अलग अलग विधि से आता है, बस चारों का एक ही रूप है, बस थोड़ा सा एने वने किया गया है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा 1 - 2 sin² x, 2 cos² x - 1, एगो 1 - tan² x बटा में 1 + tan² x। कॉस 2x का जो या चार फॉर्मूला है, इनवर्स में यूज होता है, डीसी में यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा, और कहीं कहीं और यूज होते होगा, ठीक है ना, जो मेन टॉपिक है उसमें तो यूज होता है। तो आज के क्लास इतने पे छोड़ते हैं बाबू, तीन गो पे, ठीक है ना, क्योंकि हम कहीं जाना है, तो जो अगला क्लास आएगा ना भरपूर रहेगा 2 घंटा का, चिंता मत कीजिएगा। तो आप लोग इतना से बनाइएगा क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि जो आपके
सात पॉइंट शायद एक में का तो इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पे बनाइएगा, कुछ होगा तो एगो दूगो इस पे होगा, ना तो सब लगभग इसी पे है तो बनाइएगा। ना तो अगला क्या करेंगे ना कि सात पॉइंट एक का पूरा सोल्यूशन ही डाल देंगे और कॉन्सेप्ट आपका चलते रहेगा। तो क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए पूरा का सीरीज चल ही रहा है सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का जल्द ही चालू करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।